नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम। यहां हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। अगर राज ठाकरे की बात करी जाए या फिर शरद पवार की बात करी जाए तो शायद फिलहाल इन दोनों का नाम ना लिया जा रहा हो, क्योंकि उद्धव और शिंदे के खिलाफ जो लगातार लड़ाई जारी है महाराष्ट्र के अंदर, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आना बाकी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि बीजेपी जो लगातार केंद्र की राजनीति में भी तेजी से लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, और अगर राज्यों की बात करी जाए तो एक के बाद एक तमाम राज्यों में अपना जो शासन कहिए या फिर कहिए कि कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। अब बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या लोकसभा के जो चुनाव हैं उसमें एक साल से कम का समय बचा है, और जो सर्वे सामने आए हैं वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन को यहां पर बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर बात करी जाए महाराष्ट्र की तो उससे पहले यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले बीएमसी के बड़े चुनाव होने बाकी हैं। ऐसे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बीएमसी चुनाव का कहीं ना कहीं जो रास्ता है वो लोकसभा तक जाएगा, और जनता अगर बीएमसी चुनाव में एक बड़ा बहुमत उद्धव ठाकरे को दे देती है तो क्या लोकसभा चुनाव में बाजी पूरी तरह पलटती हुई नजर आएगी। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रांशी हैं। प्रांशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल जो है वो यही रहेगा कि बीएमसी अगर चुनाव की बात करी जाए तो क्या राज ठाकरे और शरद पवार दो बड़े नेता हैं जो काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि अगर इन दोनों को बहुमत बड़ी संख्या में मिलता है और राज ठाकरे की अगर बात करी जाए तो हिंदुत्व की राजनीति को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कपिल, और जैसा कि यहाँ पर आपने तमाम जानकारियां साझा की हैं, महाराष्ट्र की सियासत से हम सभी बखूबी वाकिफ है, और महाराष्ट्र में अब तक क्या कुछ हुआ है ये भी हम जानते हैं। बीते साल जिस तरीके से उद्धव ठाकरे संग बगावत की थी एकनाथ शिंदे ने, और आज देखा जाए एकनाथ शिंदे यहाँ पर तमाम बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, तो उन दिक्कतों पर यहाँ पर रुख किया जाए तो ये बातें खुलकर सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे अब भी पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि उनके साथ जो 39 विधायक हैं उन 39 विधायकों में से कई विधायकों का यही दावा रहा है कि आगे चलकर कैसे भी करके उन्हें यहां पर चुनाव जीतने हैं। क्योंकि सिंधे का कहना साफ तौर पर यही रहा कि अगर उनका एक भी विधायक किसी सीट से हार जाता है तो वह डंके की चोट पर कहते हुए नजर आए कि मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा। तो यह बात कह देना एक बहुत ही बड़ी बात है, और ऐसे में देखा जाए एकनाथ शिंदे ने जो दावा किया है उससे आप बखूबी समझ चुके होंगे कि एकनाथ शिंदे किसी भी हालत में शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर यहां पर देखा जाए अहम फैसला लेते हुए दिखाई दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है आखिरकार सुप्रीम कोर्ट यहां पर क्या कुछ अहम फैसला सुनाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। उद्धव को उम्मीदें हैं कि कहीं ना कहीं उनके पक्ष में फैसला आ सकता है। 16 विधायकों की अयोग्यता अगर जाती है, अगर फैसला सुनाया जाता है तो अल्पमत में सरकार आएगी, सरकार गिर जाएगी। लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एक बड़ा बदलाव देखना भी यहां पर मिल सकता है, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से एनसीपी के जो वरिष्ठ नेता हैं अजीत पवार, जिन्होंने यहां पर जो अपनी बात रखी थी पीएम नरेंद्र मोदी के लिए, उनका साफ तौर पर कहना रहा कि किस तरीके से यहां पर जीत हासिल की गई थी 2014 में, मोदी लहर जो अब तक चल रही है, उनका साफ तौर पर कहना रहा कि आखिरकार उनकी जीत से हमने क्या कुछ करिश्मा देखे हैं और विकास कार्य भी देखे हैं। तो अजीत पवार ने यहां पर एक सवाल खड़ा कर दिया है जिससे उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अजीत पवार को लेकर चंद्रशेखर बावनकुले ये कहते हैं कि अब यहां पर अजीत पवार से हमारे मतभेद बेशक हैं, लेकिन कभी भी यहां पर बहसबाजी नहीं हुई है। दूसरी ही तरफ अजीत पवार ने यहां पर तमाम खुल के बातें भी रखी, और चंद्रशेखर यहां पर उनकी जमकर तारीफ करते हुए देखे गए हैं। तो आने वाले वक्त में यही देखना होगा कि अजीत पवार को लेकर जिस तरीके से हमें संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के साथ जो उनका बॉन्ड है वो काफी ज्यादा शानदार दिखाई देता है, और अब यहां पर अजीत पवार को लेकर बार बार अटकलें तेज हो रही हैं, तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन में जो टूट कहीं ना कहीं पैदा होती हुई नजर आ सके उसको कहीं ना कहीं शरद पवार संभालते हुए नजर आएंगे, और बीएमसी चुनाव पर कब्जा हमेशा ही यहां पर बीएमसी पर कब्जा हमेशा ही उद्धव ठाकरे के गुट ने, महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने पाया है। तो जाहिर सी बात है बीएमसी कितने मायने रखते हैं आप बखूबी जानते ही हैं, और बीएमसी का इफेक्ट तो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बीएमसी का जो इफेक्ट है वो लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन अशोक चावड़ की अगर बात करी जाए तो उनको लेकर संजय शिरसाट जो शिंदे गुट के बड़े विधायक, उन्होंने दावा किया था कि कुछ वक्त बाद जो है वो बीजेपी में जो है वो जाते हुए नजर आएंगे। अब आपको क्या लगता है कि अगर उद्धव की बात जाए तो उनका दामन लगभग सांसद, विधायक, कार्यकर्ता सभी लोग जो है उनका साथ छोड़ चुके हैं, तो क्या अशोक चावड़ को लेकर जिस तरीके दावा किया गया है क्या उसमें कोई सच्चाई है या फिर हवाबाजी जो है वो होती हुई? देखिए, अशोक चावड़ को लेकर जिस तरीके से दावे किए गए, कुछ दिनों पहले अरविंद सावंत ने एक बात कही थी कि शरद पवार को ऑफर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था जब प्रस्ताव दिया गया उद्धव की तरफ से कि वह शिंदे को मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उस वक्त उनका कहना यही रहा कि हमारे पास पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चावड़ जैसे, अशोक चावड़ जैसे नेता हैं, क्या वह एक रिक्शा चालक की अगुवाई में काम करना पसंद करेंगे। उन्होंने ये सवाल खड़े किए थे। अगर वाकई में ऐसा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वो वरिष्ठ नेता उनके गुट में शामिल नहीं होंगे कपिल। अगर यहाँ पर उन्हें जरूर कोई आपत्ति रही होगी तो वो खुलकर खुद भी आकर सामने कह सकते थे, लेकिन अगर वाकई में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, वह शिंदे गुट की तरफ अब रुख करने वाले हैं, तो यहाँ पर चाणक्य की नीति कहीं ना कहीं सामने आई जाएगी शरद पवार की, कि शरद पवार कहीं ना कहीं बखूबी यही जानते थे कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना, कमान उनके हाथों में सौंप देने का मतलब ये होगा कि ये गठबंधन टूट जाएगा। और ये चीजें उन्हें पहले से ही मालूम हो गई थी, उन्होंने पहले से ही भांप लिया था। उद्धव को उन्होंने सतर्क भी किया था कि पार्टी में जरूर आगे चलकर एक दरार पैदा होगी, पहले ही समझ जाइए, लेकिन उद्धव ने नहीं मानी थी एक भी बात। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए चाणक्य नीति जो कही जाती है शरद पवार की, वो कहीं ना कहीं रंग लाई। और अब देखा जाए विधायकों में टूट तो हो गई शिवसेना के, लेकिन एनसीपी यहाँ पर अपने एक भी विधायक को साझा नहीं करना चाहेगी उद्धव के साथ। तो ऐसे में उद्धव की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही हैं कपिल। तो सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है, क्या वो यहाँ पर वाकई में शरद पवार की कुछ ऐसी रणनीतियां रही, उन रणनीतियों के चलते कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी और आज उद्धव की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है। बिल्कुल, इस डिबेट को खत्म करने से पहले एक छोटा सा सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर वीर सावरकर के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, क्या राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की अगर बात करी जाए तो पक्ष में बैठी बीजेपी और एकनाथ शिंदे को एक मुद्दा दे दिया है। कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है वो महाविकास अघाड़ी ढूंढ रहा था कि कैसे शिंदे गुट को जो है वो गिराया जा सके, लेकिन वीर सावरकर का मुद्दा जो है वो दोनों हाथों से बीजेपी ने भुनाया है। राज ठाकरे पहले हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे, शरद पवार ने कहा था कि अगर वीर सावरकर को लेकर राजनीति करेंगे तो इससे आपको बड़ा नुकसान होगा। अब आपको क्या लगता है कि बीजेपी को इसका चुनाव से पहले बड़ा फायदा होने जा रहा है? देखिए, बीजेपी के लिए अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है बीजेपी को तो कई बड़े बड़े फायदे हो रहे हैं। वीर सावरकर का जिस तरीके से यहाँ पर मुद्दा उठाया गया है, वीर सावरकर जी को लेकर राहुल गांधी ने जो बातें कही वो हम सभी जानते हैं कि वह वीर सावरकर नहीं है, वह राहुल गांधी है, माफी नहीं मांगे, जिसको लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी। तो राहुल गांधी ने यहाँ पर कई विपक्षी दलों को भी अब खुद से दूर कर लिया, उद्धव ठाकरे भी बैठकों में शामिल होना बंद कर दिए हैं। तो ऐसे में देखा जाए जरूर यहाँ पर वो सियासी अटकलें देखने को मिल सकती है आने वाले वक्त में, लेकिन ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले वक्त में आखिरकार यहाँ पर बीजेपी जो दावपेच खेल रही है। मिशन बारामती है बीजेपी के लिए, महाराष्ट्र में बारामती गढ़ कहा जाता है शरद पवार का, जहां से सुप्रिया सुले सांसद हैं। तो ऐसे में देखा जाए मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने बारामती को निशाना बना रखा है। अब वहां पर देखा जाए दिन प्रतिदिन सीटों को लेकर यहां पर बीजेपी दावा कर रही है, आंकड़ों पर वह दावा करती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से यहां पर शिंदे गुट के बगावती सुर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उनका कहना यही रहा कि 48 से 50 सीटों से कम हम बिल्कुल नहीं मानने वाले, आपने कैसे दिया, आप फालतू की बकवास ना ही करें तो ही अच्छा होगा। यानी यहाँ पर चंद्रशेखर बावनकुले ने कुछ बयान दिए थे, लेकिन उनका कहना ये कहना रहा था साफ तौर पर कि कुछ आधे अधूरे बयान पेश किए गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब देखा जाए देवेंद्र फडणवीस हैं, एकनाथ शिंदे हैं, मिलकर काम वह आज भी कर रहे हैं। अगर ये इसी तरह मिलकर काम करते हुए नजर आएंगे, अगर अंदरूनी यहां पर कलह है वो अगर जग जाहिर नहीं हुई कपिल, तो जाहिर सी बात है बीजेपी यहां पर तमाम चीजों का फायदा उठाती हुई नजर आएगी और जीत बोलती हुई देखी जा सकती है। बिल्कुल, बीजेपी की अगर बात करी जाए तो एक बार फिर जीत के मुहाने पर है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन जो है वह जोर लगा रहा है कि जीत जो है वो उसको हासिल हो। हालांकि अब यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला सुनाएगा या फिर एकनाथ शिंदे के। और इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम छोड़े जा रहे हैं, फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।